बिहार सरकार हर समय नल का जल देने की बात भले ही कहता हो, लेकिन जमीनी हकीकत सच्चाई से कोसों दूर है। आपको बता दें कि किशनगंज जिले के बुधड़ा पंचायत स्थित जल मीनार शोभा की वस्तु बंद कर रह गई है। जल मीनार से पानी का नल पोठिया बाजार, नया बाड़ी कॉलोनी आदि गांव एवं मोहल्ले को जोड़ा गया था, परंतु सभी नल बंद पड़े हैं। दरअसल जल मीनार में लगाई गई जनरेटर शुरुआती दौर से ही खराब होने की बात बताई जा रही है। हद तो तब हो गई जब यह जल मीनार से किसी को एक बूंद पानी भले ही नसीब ना हो, लेकिन मोटर चलाने एवं जल मीनार की देखभाल के लिए एक स्टाफ कार्यरत है। तो वहीं प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि यह जल मीनार वर्ष 2007 में 82,61,000 की लागत से बना था। तो वहीं आसपास के लोगों को यह जल मीनार से शुद्ध पीय जल पीने की आस थी, परंतु आस निराश में बदल गई। आगे ही श्री हुसैन ने बताया कि सरकार चाहती है कि हर घर में नल का जल मिले, पर धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। कोई यहाँ पर एक स्टाफ आके यहाँ रहता, सिर्फ खाली वही काम करता है दो लंबड़ी, जिसमें उसका एक भी मैंने खराब है, पूरा पोठिया में पूरा बाजार भी वही है खराबी। 2007 में लगभग 82,61,000 की लागत से जल मीनार का निर्माण हुआ। जल मीनार के निर्माण से अगल बगल के लोगों को काफ़ी आस थी कि हम लोग को शुद्ध पेयजल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पानी की काफ़ी समस्या है, आयरन युक्त पानी पीना पड़ता है लोग, जिससे यहाँ आए दिन तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। लेकिन सरकार एकदम कान में तेल डाल के सोई हुई है। बार बार इस मामले को लेकर जिला परिषद में मामला उठाया गया और मेरे द्वारा अभी पेपर में भी इस तरह की बात आई थी, जिसकी एक कॉपी आपको भी मैं दिया था, लेकिन आज तक किसी ने यहाँ उसकी खबर फिरियत देने तक नहीं आया। और जिसका तस पड़ा हुआ है, कभी जनरेटर खराब होने की बात कही जा रही है, तो कभी स्टाफ छुट्टी में है, तो कभी और मैंने तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। और ये सरकार की इतनी बड़ी राशि का बंदर बांट कर किया गया है, और सरकार जो जिस उद्देश्य से इस योजना को लागू करना चाह रही थी, उसका इस्तेमाल धरातल पर नहीं हो रहा है। मजबूरन हम लोगों को गंदे पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, गंदा पानी पीना पड़ता है, और तरह तरह की बीमारी में हम लोग मुबतला है।